एक मौका मिला है, पहले सिया के राम में एज शिव, सेकेंड 52 शक्तिपीठ है, 108 है वैसे, लेकिन जो मेन है प्राइमरी वो है 52 शक्ति। हर शक्तिपीठ पे एक भैरव है जो कि माता की रक्षा करता है, तो ये सारी कहानी जो है भैरव के। तो बस मैं हूँ उल्का गुप्ता एंड ये मेरा कमबैक है शक्तिपीठ के भैरव ऑन 6 इयर्स। तो मेरा पिछला बड़ा शो था झांसी की रानी और एक्चुअली यही शो था मेरा रीजन, ये शो एक रीजन पे कमबैक करने के लिए, बिकॉज मैं वेट कर रही थी सालों से कि सबने मुझे झांसी की रानी में देखा है एंड सब एक्सपेक्ट करते हैं पावरफुल रोल के साथ आऊँ, और मैं मानती हूँ इससे बेहतर और पावरफुल रोल नहीं हो सकता था मेरे लिए। उसने मुझमें आदि शक्ति को देखा, पहले मुझे लगा शायद मैं इसके लिए काफ़ी यंग हूँ, बट फाइनली इट हैपेंड एंड इट्स ये काफ़ी नया है आई बिलीव ऑन टेलीविजन। और मैं खुद मैं मेरा पिछला शो था महादेव, जिसमें मैं कन्याकुमारी पार्वती सती या कोई एक किरदार कर पाती, बिकॉज मैं खुद शिव जी की बहुत मेन रोल जिसमें मैं सारी शक्ति भी जो 52 शक्तिपीठ हैं उसमें जो भी सारी देवियां के अंदर उनकी जो अपनी लोकल एक फोक या लोकल कहानी है वहाँ की, तो उस हिसाब से मुझे एज एन एक्टर काफ़ी ऐसा ही कुछ मुझे चाहिए था। मेरा टीवी से मैं दूर इसलिए भागती थी बिकॉज बिकॉज मैं कोई ऑफर हुआ था आपने इधर देखिए नहीं, सबसे पहले आज तक टेलीविज़न पे शिव जी के बारे में, राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बन रही हैं। नया कॉन्सेप्ट अपने आप में ही हो गया कि भैरव के बारे में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बन रही है, प्लस जब मुझे क्रिएटिव टीम ने सारा नरेट किया रोल के बारे में और क्या चैलेंजेस फेस करेंगे और कितने डिफरेंट किरदार होंगे, तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा एंड मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो एज एन एक्टर जैसा मैंने अभी पहले भी बोला कि चैलेंज मिलना चाहिए एक्टर को और उसे फुलफिल करना चाहिए। 52 डिफरेंट रोल्स आप कर रहे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है इन 52 में से? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो काल भैरव किया है, वीरभद्र किया है, अभी आगे आगे देखते हैं। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे क्रिएटिव टीम डिसाइड करेगी क्या होना चाहिए, लुक कैसा होना चाहिए। भैरव तो भैरव ही, रुद्र अवतार हैं, एंग्री लुक हैं, एंग्री जहाँ कहीं किस कोई असुर है या कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जीज हैं उसका नाश करने के लिए भैरव ने जन्म लिया था। अब शिव जी वैसे अदरवाइज बहुत काम है, तो क्योंकि उनका नाश हो उसके लिए भैरव आए हैं। तो अभी तक जो 2-3 किरदार जो मैंने किए हैं जहाँ पर ये बॉडी पेंट भी लगाना पड़ा, जैसे ब्लू कलर है, ब्लैक कलर, काल भैरव है, तो एक्साइटिंग है। अभी आगे आगे देखते हैं, मुझे भी जैसे जैसे करता रहूँगा मुझे आइडिया मिलता रहेगा कि क्या है। हाँ जी, नाम रोहित बख्शी। डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर आपको मिला है जो आप बता रहे हैं कि ड्रीम रोल है, किस तरह से एक्साइटेड है आप इस रोल को लेकर? अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैंने माइथोलॉजिकल ऐसा कोई किरदार जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली गॉडली हो मैंने कभी नहीं किया। हिस्टोरिकल रोल्स के लिए मैं मानी जाती हूँ, मैंने शिवाजी में किया, झांसी की रानी किया, और एक बार मुझे मौका मिला था कन्याकुमारी देवी बनने का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा सारी देवियाँ बनने का। तो मैं अपने सीरियल में पार्वती भी बनी हूँ, सती भी बनी हूँ, आदिशक्ति बनी हूँ, और देवी के जो सारे रूप है, जो जैसे कि 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया, तो हर शक्तिपीठ की अपनी कहानी है और उसमें हर देवी का वहाँ पे एक अलग रूप है, एक अलग श्रद्धा है, तो उनकी एक अपनी कहानियों के साथ। तो मैं बहुत फैसिनेटेड थी कि एज एन एक्टर इतने सारे रोल्स करना कभी मिलता नहीं, और एक सीरियल में तो जैसे कि डेली सोप्स दूसरे होते हैं, सोशियो, जिसमें आप एक किरदार को लेकर 2-3 साल तक करते हैं, तो वही एज एन एक्टर मैं ये चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिले, कोई ऐसा किरदार मिले जिसमें मैं सब कुछ कर पाऊँ। तो आम जिंदगी में तो पॉसिबल है नहीं कि एक किरदार इतने सारे किरदार बन पाए, तो मैं मानती हूँ मैं इस रोल के लिए वेट कर रही थी एंड आई एम लकी कि मुझे मिल गया। मैं बीच में फिल्म्स कर रही थी, तो फिल्म्स में यही होता है कि मैं हर साल 2-3 महीने में अलग अलग किरदार कर लेती, पर सीरियल में ऐसा बहुत कम होता है। तो ये वो शो है जिसके लिए मैं रुकी हुई थी एंड जैसा कि रोहित जी भी कहते हैं कि ये हर दिन आपको एक चैलेंज देता है कि
कि मैं कैसे उस अलग रूप को, हालांकि है तो भगवान ही, हालांकि है देवी ही, पर हर देवी की एक अपनी एक अलग पावर होगा, एक अलग तरीका होगा शायद बात करने का, अपने आप को कैरी करने का. तो एज एन एक्टर उससे एक ये एक कॉम्पिटिशन हो गया, लेवल बढ़ गया है मेरे लिए. सो आई थिंक यही है जो मुझे इस रोल की तरफ खींच लाया, इस प्रोजेक्ट के लिए खींच लाया. आई एम वेरी एक्साइटेड कि ऑडियंसिस कैसे पसंद करेंगे, और सभी को शौक होता है, मुझे खुद को, कि लोगों को यू नो सारे धाम जाने का, लोग धाम जाते हैं, जैसे मैं खुद तो मैं काफ़ी धाम जा चुकी हूँ, शक्तिपीठ जा चुकी हूँ. तो मुझे भी एक रुचि रहती है कि ये क्या कहानी है इसके पीछे, यहाँ पर उसका एस्टैब्लिशमेंट अस्तित्व क्यों है, और क्यों इसकी मान्यता है. तो इस सीरियल के तहत मैं भी जान पाऊँगी, एंड आई गेस ऑडियंसेस भी बहुत दिल यू नो उनकी दिलचस्पी बढ़ी रहेगी माता के बारे में, भैरव के बारे में जान के. तो दैट्स ऑल. आपका नाम? मेरा नाम है उल्का गुप्ता.